कन्हैया जी आप भी मौजूद थे, 7 तारीख को राहुल जी गए, विवेकानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि दी, और आज स्मृति ईरानी की तरफ से एक रैली में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहा गया कि देखिए कितनी निर्लज्जता है राहुल गांधी में कि वो विवेकानंद की मूर्ति पर 2 फूल चढ़ाने के लिए नहीं गए। देखिए इसमें एक था ना फिल्म था एक रूप की रानी चोरों का राजा, अभी जानते हैं सरकार कैसे चल रही है, झूठ की रानी चोरों का राजा, जो लोगों की पूरी सरकार ही झूठ पे चल रही है उसकी क्या बात कीजिएगा, जिन्होंने अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोला, जिन्होंने अपनी अपनी बच्ची के बारे में, कौन झूठ बोलता है, अपनी बच्ची के बारे में झूठ बोला, वो जो है पहले बोल रही हैं कि रेस्टोरेंट है, अब बोल रही हैं कि रेस्टोरेंट नहीं है, आप जानते हैं कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ गए हैं, तो अपनी डिग्री के बारे में जो झूठ बोलते हों उनसे क्या आप सच की उम्मीद करते हैं, ये इनका काम है झूठ बोलना, और इस तरह के झूठे लोगों को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई चीज़ दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हर चीज़ जो है ना हमारा फोटो खिंचाने के लिए नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो गांव देहात में तो वही बात मान ली जाएगी ना कि स्मृति ने कहा है तो क्या पता राहुल ने कर ही दिया होगा। गांव देहात में अगर स्मृति ईरानी जी का झूठ पहुंच रहा है ना, तो गांव देहात में महंगाई भी पहुंच रही है, बेकारी भी पहुंच रही है, पेट्रोल हम भी 100 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, भाजपा का वोटर भी 100 रुपये लीटर खरीद रहा है, हमको भी जो है पढ़ने लिखने के बाद जो भाजपा के वोटर नहीं है उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जो भाजपा के वोटर हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कब तक आंख बंद करके आप कहिएगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, कब तक कहिएगा।